तो हेलो गाइस, मैं नाम है शिवांकर और आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक। और यार आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों के मन में यार एक डाउट होता है कि जो ब्लॉगिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि यार ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाती है यूट्यूब पे। तो यार क्या सच में ब्लॉगिंग ख़त्म होगी, उसी के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको कुछ 5 टॉपिक्स ऐसे बताऊंगा जिनको आप अगर आज भी स्टार्ट करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट, बहुत ज़्यादा ऑडियंस देखने को मिल जाएगी, और वो ऑडियंस आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाली है। मतलब कि वो चीज़ लोग सर्च करेंगे सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के अंदर, यूट्यूब में वो चीज़ सर्च नहीं करेंगे। तो कौन सी वो 5 चीज़ें हैं, उसी के बारे में बात करेंगे, और मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको इसी चीज़ के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। और यार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो चलते हैं डायरेक्टली वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, यूट्यूब में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, बट कुछ चीज़ों की कमी है जो वेबसाइट्स में ही अवेलेबल होती है। वेबसाइट्स के अलावा आपको वो कहीं और नहीं मिल पाएगी। मिल जाएगी लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, बट 99% चीज़ें आपको वेबसाइट में ही मिलेंगी और YouTube में नहीं मिलेंगी। वो कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं वेबसाइट में और YouTube में कितना फ़र्क होता है। वेबसाइट की अगर मैं बात करता हूँ, वेबसाइट से आप बहुत रेवेन्यू अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ YouTube में ही YouTube से आप काम करते हो, सपोज़ आप YouTube एड्स रन कर रहे हो अपनी वीडियोज़ में और वही एड्स आप रन कर रहे हो अपने वेबसाइट में, तो आपको जो रेवेन्यू होगा वो वेबसाइट से ज़्यादा होगा, जबकि आपको जो रेवेन्यू होगा यूट्यूब में थोड़ा कम होगा वेबसाइट से, अगर मैं कंपेयर करके बताता हूँ तो। और अगर मैं बात करता हूँ सेकंड चीज़ आपको यूट्यूब में स्पॉन्सरशिप मिल जाएंगी, आप वहाँ से अर्न कर सकते हो, और आपको कोई रिव्यू मिल जाए किसी गैजेट का वहाँ से अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट है और आप गैजेट की वेबसाइट है आपकी, तो आप रिव्यू भी कर सकते हो, आप स्पेस सेल कर सकते हो, आप किसी का रिव्यू लिख सकते हो, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिलने वाला है। तो थोड़ा सा कंपेयर होगी, लेकिन यहाँ पर मैं कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको वो 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। आज के टाइम पे भी 2020 में भी आप इससे काफ़ी अच्छे खासे पैसा अर्न कर सकते हो। तो कौन कौन सी 5 चीज़ें, चलिए उन्हीं को जान लेते हैं पहले। तो सबसे पहले बात कर लेते हो यार, अगर मैं बात करता हूँ, अगर सपोज़ आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है तो आप कहाँ सर्च करोगे? आप सर्च करोगे गूगल में बर्थडे बेस्ट बर्थडे विशेष, तो आप विशेष वहीं से सर्च करोगे और वहीं से उनको दोगे, वहीं से कॉपी करके आप उनको देने वाले हो। ये तो है नहीं कि यार आप यूट्यूब में जाओगे, यूट्यूब से जो यूट्यूब में कोई वीडियो चल रही होगी उसे लिख के उसे भेजोगे उसकी विशेष, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, आप सर्च करोगे यूट्यूब में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड विशेष हो आपको गूगल में मिल जाएंगी। तो सारी विशेष हो गया या कोई भी चीज़ से रिलेटेड SMS हो गया, सपोज़ बर्थडे विश करना है, सपोज़ कोई फेस्टिवल है, न्यू ईयर विश करना है, कोई भी चीज़ हो वो विश करना है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट मिलेगा वेबसाइट से, वो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो पहली वेबसाइट हो गई आप जो बना सकते हो आज के टाइम पे विशेष की, और जो SMS होते हैं क्यूट्स की, कोट्स की, विशेष की, और जो होती है हमारी सेइंग्स की, ये सब आप वेबसाइट्स बना सकते हो। दूसरी चीज़ की बात कर लेता हूँ, तो दूसरी चीज़ आती है इमेज वेबसाइट। इमेज वेबसाइट भी आप बना सकते हो, जिसमें आपको कौन कौन से टाइप के इमेजेस करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के टाइम पर अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं क्लिप आर्ट इमेजेस, यूज़ करते हैं क्लिप आर्ट इमेजेस बनाते हैं, वो अपलोड करते हैं, या आप कहीं से भी बना सकते हैं या कहीं से भी ले सकते हैं जहाँ कॉपीराइटेड इमेजेस फ्री मिल जाए। और मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि यार आप अपने खुद की इमेज कैसे बना सकते हो जो कॉपीराइट ना है जिसमें, और अपनी प्रॉपर इमेज खुद की कैसे बना सकते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी मिल जाएगा आपको आई बटन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद बात करते हैं तीसरी चीज़ की, बात करते हैं लिरिक्स की। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को कोई लिरिक्स भेजना है किसी सॉन्ग का, तो आप क्या करो, आप यूट्यूब पर तो नहीं जाओगे ना यार कि वहाँ से मेरे को लिखना है सारा जो वीडियो में बता रहा है जिस हिसाब से गा रहा है, तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा, बहुत रेयर होगा। जिन जो सॉन्ग्स होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन में कुछ हो के रहता है, बट सबके नहीं रहता, बहुत रेयर होता है जिनमें मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, बट आपको आना पड़ेगा उसके लिए वेबसाइट के अंदर ही। वेबसाइट्स जब आओगे वहाँ से आपको लिरिक्स मिल जाएगा, तो लिरिक्स वेबसाइट भी हो गए। तो 3 मैं आपको बता चुका हूँ। बात कर लेते हैं चौथी चीज़ की बात करता हूँ, तो आती है APK डाउनलोड्स। यार काफ़ी लोग सर्च करते हैं, एक एक छोटे छोटे अपडेट्स आते हैं, सपोज़ WhatsApp का बीटा अपडेट आया, जैसे मैंने अभी रिसेंटली अपनी वीडियो में बताया था WhatsApp का एक नया अपडेट आया था, उसकी वीडियो में बना चुका आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो, और वहाँ पर मैंने लिंक भी दिया है जो आप यूज़ कर सकते हो लेटेस्ट WhatsApp के अपडेट का। तो आप उसे यूज़ करोगे तो यार आपको लेटेस्ट WhatsApp का वर्जन मिल जाएगा, जिसमें आप
8 लोगों को एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हो। तो ऐसे आप वेबसाइट बना सकते हो जिसमें आप APK डाउनलोड्स की वेबसाइट बना सकते हो, जहाँ से कोई भी यार APK डाउनलोड कर सकता है और बहुत ही इजीली उसे यूज़ कर सकता है। तो ये भी अभी ख़त्म नहीं होने वाली है, के लिए भी लोग अभी भी गूगल में ही सर्च करते, बहुत ही रेयर होगा जो कोई भी लोग उसमें सर्च करते हो, यूट्यूब में सर्च करते हो। अगर आप भी यार यूट्यूब में सर्च करते हो ना तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ, या अगर आप सर्च करते हो गूगल पे तो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये 4 चीज़ें। अब आते हैं पाँचवीं चीज़ की, तो पाँचवीं चीज़ आती है IFSC कोड। IFSC कोड की अगर बात करूँ तो ये कोई भी वेब यूट्यूब देख लो आप कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, कोई भी बैंक नहीं प्रोवाइड कराएगा आपको IFSC कोड। और दूसरी चीज़ की बात करूँ टोल फ्री नंबर, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर टाइम पर यूज़ होगी। और एक बार आपको इन चीज़ों पर काम करनी, पाँचों की पाँचों चीज़ जो मैंने बताई है आपको, इनमें से 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको एक ही बार काम करना है, विशेष हो गया, इमेजेस हो गया, और आपका IFSC कोड। लिरिक्स में भी आपको काम करना पड़ेगा, जैसे कोई नया लिरिक्स आएगा उसको डालना पड़ेगा। और APK कोड में भी आपको सेम चीज़ करनी पड़ेगी कि जैसे कोई नया वर्जन आता है उसका वो अपलोड करना पड़ेगा। तो ये दो वेबसाइट है जिनमें आपको बेसिस पे अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लिरिक्स की और अब APK की, तो इनमें रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा 3 वेबसाइट है, विशेष, इमेजेस और IFSC कोड और टोल फ्री नंबर, इनमें आपको रेगुलर अपडेट नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपको कंटेंट डालना है, भले थोड़ी मेहनत लगेगी, एक बार कंटेंट डाल दोगे तो उसके बाद आपको दोबारा से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको ये 5 चीज़ें बता दी हैं जो मेरे को लगता है कि यार अभी भी ब्लॉगिंग है, भले ही ब्लॉगिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं और ये चीज़ें चलेंगी यार, आगे भी चलेंगी, ब्लॉगिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और बस यार यही सब कुछ था इस वीडियो में जो मुझे लगा आप लोगों के साथ करना चाहिए। शेयर मैंने कर दिया है शेयर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो देना, लाइक कर देना, कमेंट, और अगर चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।